स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं। ऋतु का मतलब होता है मौसम, तो मौसम तो हमारी पृथ्वी पर बदलता है, लेकिन कैसे, क्या कारण है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इसे इमेज के माध्यम से समझिए। देखिए, ये अपना सूर्य है और सूर्य से रोशनी आ रही है और सूर्य से रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी जो है इस प्रकार से झुका हुआ है। इस प्रकार से झुका हुआ होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है वह क्या हो रहा है, एक स्थान पर यानी इस अक्ष पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी देख सकते हैं आधे भाग पर पड़ रहा है, यानी कि इस ओर क्या हो रहा है, सूरज का रोशनी पड़ रहा है, जबकि इस ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और सूरज का रोशनी हमेशा एक ही भाग पर पड़ता है, एक ही ये जो अक्ष है झुकाव, इसके चलते इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण यानी सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसके कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। अब जब सूरज इस दिशा में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं पहले नीचे ज्यादा रोशनी या धूप पड़ रहा था, लेकिन अब नीचे नहीं पड़ रहा है, नीचे थोड़ा छाया है, ऊपर की ओर जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर पड़ रहा है रोशनी यानी धूप। तो इस प्रकार से जिस ओर कम धूप पड़ता है उस ओर ठंडी लगती है, और सॉरी हाँ, जिस ओर कम धूप पड़ता है उस ओर ठंडी लगती है, जिस ओर अधिक धूप पड़ती है उधर गर्मी लगती है, इस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। यह था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।